अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल यूनिक स्टाइल आ न्यू मॉम हेल्थ क्लब। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपको सिर्फ क्या करना है, नीचे बेल बटन जो रेड कलर का है इसको आप प्रेस कर देंगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। आप मेरा चैनल देखते हैं इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है, लेकिन आप सब्सक्राइब जब नहीं करते तो मेरे चैनल को बहुत दुख होता है। आज की हमारी वीडियो बेस करती है होममेड हर्बल मेडिसिन फॉर डायरिया। फाइव प्रॉब्लम्स डायरिया से रिलेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो सकता है, आफ्टर प्रेगनेंसी हो सकता है, इन अडल्ट्स हो सकता है, इन चिल्ड्रन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन बेबीज हो सकता है। इन सब फाइव प्रॉब्लम्स की वन सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन हमारे पास देसी नुस्खा है। ये देसी नुस्खा पांच आपके पास हर्बल चीजें हैं, इन सबको मिला के आपको अपनी मेडिसिन तैयार करनी है। वन पे है वन ब्लैक छोटी हरड़, जिसका बोटेनिकल नेम या साइंटिफिक नेम टर्मिनेलिया चेबुला है, इंग्लिश नेम माइरोबलान है और हिंदी या उर्दू नेम ब्लैक छोटी हरड़ इसे बोलते हैं। जैसे तस्वीर में आप देख रहे हैं बिल्कुल ये इसी तरह की होती है, सख्त होती है। नंबर दो, गूंद कीकर। आपने नाम सुना होगा, किसी भी पंसार स्टोर से आप ले सकते हैं। इसका बोटेनिकल नेम है सलमेलिया मेलाबारिका, इंग्लिश नेम है इंडियन गम अरेबिक गम एसेशिया, उर्दू या हिंदी नेम है गूंद कीकर। आप तस्वीर में देख सकते हैं ये किस तरह से दिखती है। गूंद कतीरा नंबर थ्री पे, इसका बोटेनिकल नेम है एस्ट्रागेलस गमिफर, इंग्लिश नेम है ट्रेगासंथ गम और उर्दू या हिंदी नेम है गूंद कतीरा, और ये इस तरह से वाइट कलर में दिखती है। गूंद कीकर या गूंद कतीरा में फ़र्क आप तस्वीर के जरिए वाजे देख सकते हैं, एक डार्क कलर में होती है और एक लाइट कलर में होती है। फोर पे है तुख मलंगा। तुख मलंगा की खासियत ये है, इसको जब पानी में जब डालते हैं तो ये पानी अब्जॉर्ब कर लेता है और फूल जाता है। इसका बोटेनिकल नेम है ओसिमम बेसिलिकम, इंग्लिश नेम है बेसिल सीड्स, उर्दू या हिंदी नेम है तुख मलंगा। ये गर्मियों में आमतौर पर इस्तेमाल होता है दूध वगैरह में या जामेशीरी में। नंबर फाइव पे है इसबगोल का छिलका। इसके लिए किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, ये आमतौर पर हमारे घरों में मौजूद होता है। जब भी हमें मैदे की कोई बीमारी होती है या तेजाबियत होती है हम इसे इस्तेमाल करते हैं। इसका बोटेनिकल नेम है प्लांटेगो ओबेटा, इंग्लिश नेम है साइलियम हस्क, उर्दू या हिंदी नेम है इसबगोल का छिलका। ये सब मिलके हमारे पास फाइव इंग्रेडिएंट्स बनते हैं। नंबर वन ब्लैक छोटी हरड़, नंबर टू इसबगोल का छिलका, नंबर थ्री तुख मलंगा, नंबर फोर गूंद कीकर, नंबर फाइव गूंद कतीरा। इन सब को मिला के हमने अपनी खुराक तैयार करनी है। कैसे, चलते हैं आगे। अपनी डोजेज या अपनी फर्स्ट मेडिसिन डोजेज बनाने का तरीका क्या है? आपने ब्लैक छोटी हरड़ या गूंद कीकर और गूंद कतीरा इन तीनों को सेपरेटली यानी अलहदा आपने इन सब का फाइन पाउडर बना के रख देना है। फिर इन सब फाइव आइटम्स को यानी के पिसे हुई छोटी हरड़, गूंद कीकर जो कि पिसी हुई फॉर्म में होगी और गूंद कतीरा ये भी पिसी हुई फॉर्म में, फिर इसबगोल का छिलका और तुख मलंगा, हम वजन लेने हैं एक एक चुटकी एक कप में और उसमें थोड़ा सा पानी डालना है। पानी इतना डालना है कि ये सारी चीज़ें उसमें डूब जाएं। और जब ये जैसे हमारे पास इसबगोल का छिलका है या हमारे पास तुख मलंगा है ये फूल जाएगा, ये सब चीज़ें उसमें पानी अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेंगी तो ये एक पेस्ट की फॉर्म में आधे घंटे बाद बन जाएगा। तो ठीक आधे घंटे बाद आपने ये हर्बल मेडिसिन अपने पेशेंट को देनी है, चाहे वो बेबी है, चाहे वो चाइल्ड है, चाहे वो अडल्ट है या एनी प्रेग्नेंट वुमेन। इसके लिए आपने फर्स्ट डोजेज उसको दे देनी है। जो सबसे अहम हमारे पास मरहला है कि प्रिकॉशंस इसमें क्या अख्तियार की जाएं, आप जब भी ये चीज़ें लें तो ध्यान रखें आपके गूंद कीकर या गूंद कतीरा में या फिर आपकी छोटी हरड़ में या आपके पास जो तुख मलंगा है इसमें कोई किसी किस्म के कंकर या सैंड के पार्टिकल्स ना हों, उनको साफ़ कर लें। इसके बाद
आपने अपने ये आप डोजेज अपने बेबीज चिल्ड्रन अडल्ट या प्रेग्नेंट वुमेन किसी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखें कि अगर आप बेबीज को दे रही हैं तो उन बेबीज के लिए ये बेहतर है जो सॉलिड फूड लेना स्टार्ट कर देती हैं, यानी कि ऐसे बेबीज जिनकी एज 4 या 6 मंथ है, क्योंकि इसी एज में बच्चे सॉलिड लेना स्टार्ट कर लेते हैं। और ऐसे इन्फेंट्स जिनको आप दे रही हैं ये खुराक दे रही हैं जिनको डायरिया है, तो उनके आप जो ये पेस्ट है उसके थिक कंसिस्टेंसी ना रखें बल्कि थिन रखें ताकि वो इजीली उसको डाइजेस्ट कर सकें। यानी कि अगर आपने बीच में पानी कम डाला है तो देख आधे घंटे बाद देखकर जब आप देखते हैं अगर मिक्सचर थिक है तो आप बीच में पानी मज़ीद थोड़ा सा डाल के उसको थिन भी कर सकते हैं। और ऐसे बच्चे जिनकी एज 1 ईयर से कम है उनमें आप गाय का दूध बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इस मिक्सचर को पानी या दूध दोनों में डाल के इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जो इन बच्चों की एज 1 ईयर से कम है उनके लिए गाय का दूध या भैंस का दूध इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, उनके लिए पानी ही बेस्ट है। अगर बच्चे को या बड़े को या किसी भी एज के पर्सन को सीवियर डायरिया है, यानी बहुत बहुत आगे बढ़ चुका है आपका डायरिया, तो आप इसकी खुराक दिन में 3 से 4 टाइम कर दें। अगर माइल्ड है तो यानी कि डायरिया की इतनी वर्सन सिचुएशन नहीं है तो आप दिन में 1 या 2 दफ़ा दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंडीशन। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट, लाइक एंड शेयर। सब्सक्राइब टू माई चैनल यूनिक स्टाइल।